हेलो भाई लोग, कैसे हो? तो सबके हाल मजा में होंगे। तो इसके अलावा गाइस यार, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाह रहा हूँ, ठीक है? बात कुछ ऐसी है कि जो वीपीएन की स्टोरी है वो हमारे पास में आ चुकी है। जो ओरिजिनल एपिसोड्स हैं वो हमारे पास में आखिरकार लग ही चुके हैं, क्योंकि अब यहाँ पर जो वीपीएन के बेटे की स्टोरी है वो हम थोड़े समय के लिए यहाँ पर रुकने वाले हैं, क्योंकि अभी हमारे पास में जो वीपीएन की न्यू स्टोरी आई है ना, वही भाई साहब बहुत ज्यादा है जबरदस्त और बहुत ज्यादा है मजेदार है। वैसे भी सबको पता है कि वीपीएन एक लो प्रोफाइल बंदा है, तो उसी तरह से यहाँ पर वीपीएन ने अपनी लो प्रोफाइल रखी और थोड़े समय बाद में हमारे एक अननोन नाम से भाई थे जिन्होंने हमें बताया कि भाई स्टोरी आ चुकी है। तो भाई आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने आखिरकार में बता दिया कि हमारे नंबर जीरो यानी वीपीएन की स्टोरी वापस से हमारे पास में लौट कर आ गई है। चलो हम फिर बिना किसी देर के हम लोग यहाँ पर इस न्यू स्टोरी को शुरू करने जा रहे हैं जो विपिन की ही है। गाइस ये मत बोलना कि हाँ भाई ये विपिन की नहीं है, फिर से तो हमारे एक और बार काटने लगा है। तो यार इस बार नहीं काट रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूँ कि इस बार ये स्टोरी ओरिजिनल है और आपको खुद स्टोरी देख कर ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये वास्तव में ओरिजिनल स्टोरी है, विपिन के बेटे की नहीं है, ये विपिन की ही स्टोरी है जो अब आगे चलने वाली है। हम उस स्टोरी को वहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन अब इस स्टोरी को हम आगे रिटर्न करने वाले हैं। और इसके अलावा यहाँ पर गाइज अगर आप लोग एक बार लाइव करना चाहते हैं तो लाइव हम लोग एक दिन आ सकते हैं। आप लोग बता देना, हम अपना फेस कैम देखते हैं कि हम लोग कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, कर पाए तो हम आपको जरूर बता देंगे। चलिए फिर बिना किसी तरीके शुरू करते हैं एपिसोड को। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। लो प्रोफाइल लो प्रोफाइल लो प्रोफाइल। हाँ भाई मुझे पता है कि मुझे यहाँ पर लो प्रोफाइल रखना बहुत ज्यादा ही पसंद है। विपिन को यह शब्द दोहराना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन क्या करें वो दोहराया करता था। आखिरकार वो एक बहुत ज्यादा ही विनम्र और बहुत ज्यादा ही सीधा साधा सा नॉर्मल सा बंदा था। विपिन इस जगह अभी अपनी जगह पर बैठा हुआ था। वो एक घोड़ों के अस्तबल के अंदर था जहाँ पर उसका चेहरा सोजा हुआ और उसकी आंखें मोटी मोटी थी। उसके नीचे वो तीन शब्द लिखे हुए थे, लो प्रोफाइल, जो उसको साफ साफ सूट करते हैं। और विपिन जब भी कोई ना कांड करता है ना तो उसके बीच में यही शब्द आया करते हैं, लो प्रोफाइल। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर तुम्हें मारना पसंद नहीं करता या फिर मैं तुमसे हार गया हूँ, बस वो तो बात कुछ ऐसी कि मैं लो प्रोफाइल रखना पसंद करता हूँ। तो इसी वजह से तुम्हें है ना यहाँ पर फालतू मेरे से पंगे नहीं लेना चाहिए, वरना मैं तुम्हें कुछ कहूंगा और यहाँ पर कोई विवाद हो जाएगा। क्योंकि विपिन अभी अभी यहाँ पर आया था, वो अपने मन ही मन में कह रहा था कि अगर इसके बारे में किसी को पता चलता है तो उसके बाद में मेरा क्या होगा, मेरी जो यहाँ पर इज्जत थी एक मास्टर टीचर की वो तो पूरी तरह से धूल के अंदर मिल जाएगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। इस जगह पर जो विपिन था वो अपने अंदर अपने आप को छोटा महसूस कर रहा था। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे और क्या नहीं करे। और उसके साथ में ही यहाँ बताया जाता है 5 साल हो गए, 5 साल जब वहाँ पर भयानक के साथ में उसकी लास्ट बार फाइट हुई थी। 5 साल के बाद में जब उसकी स्वर्ग की लाइब्रेरी थी वो उसके पास में से चली गई थी। उसके बाद में फिर से उसने अपने आप को पावरफुल बनाया और अपने साथ में एक और नया ब्रह्मांड तैयार किया था। वो एक नया तैयार किया हुआ दुनिया थी जैसे कि अज्योर, वैसे ही उसने अपनी एक दुनिया बनाई थी जो उसकी स्वर्ग की लाइब्रेरी साथ में मिला करती थी। उस जगह पर उसने अपनी स्वर्ग की लाइब्रेरी को भी दोबारा सा बनाया था। बात कुछ ऐसी थी कि जो विपिन था उसके पास में स्वर्ग की लाइब्रेरी पहले से जा चुकी थी, लेकिन जब उसने उसको वापस से बनाया तो उसका असर इतना ज्यादा नहीं था। वहीं दूसरी तरफ जब विपिन अपनी दुनिया को बना रहा था तो उस जगह पर उसके सामने सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो एक ही थी, वो थी ये स्रोत वाली दुनिया, जहाँ पर से यहाँ पर जो उसकी दुनिया थी वो अपने अंदर एनर्जी को यानी स्रोत को अब एब्जॉर्ब किया करती थी, जिसके साथ में ही उसकी दुनिया कुछ कर पाती। लेकिन यहाँ हुआ कुछ ऐसा कि अचानक से जो ये स्रोत नामक एक दुनिया थी उसने अचानक से उसकी दुनिया के अंदर से उसकी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया और उसके चलते हुए यहाँ पर जो उसकी दुनिया थी उसके अंदर से उसकी जो एनर्जी थी वो यहाँ पर पूरी तरह से खत्म होने लगी। और उसी को देखते हुए जो विपिन था उसको समझ नहीं आ रहा था, वही जानता था कि अगर एक बार यहाँ से सारी सारी एनर्जी चली जाती है तो उसके बाद में वो उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अपने लोगों को जो उसके उस पूरी दुनिया के ऊपर रहा करते थे उन सभी को बचाना। उसी चलते हुए जो विपिन था वो उस स्रोत का पीछा करते हुए वो वहां चला गया जहां से वो एनर्जी आया करती थी।
लेकिन जब वो वहां जाता है तो उसके साथ में ही उसके सामने कई सारी येलो और पर्पल कलर की कुछ एनर्जी दिखाई देने लगती है। विपिन चाहता तो था उसको पास में जाकर देखना, लेकिन वो जानता था कि उस एनर्जी के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसको देखते हुए जब वो पीछे की तरफ मुड़ी रहा था कि उसी बीच अचानक से उस एनर्जी द्वारा उसको अंदर की तरफ एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उसके साथ में ही वापस से विपिन का सीन दिखाया जाता है। जो विपिन था वो यही सोच रहा था, 5 दिन हो गए हैं मुझे इस स्रोत वाली दुनिया के अंदर आए हुए, जहाँ से मेरी जो दुनिया थी और जो अजोर था, जो दोनों के अंदर जो एनर्जी आया करती थी वो यहीं से ही आया करती थी, और आखिरकार वास्तव में मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है और क्या नहीं, क्योंकि जब से मैं यहाँ पर आया हूँ ना, उसके बाद में मेरी जो एनर्जी है वो पूरी तरह खत्म हो गई है। बात कुछ ऐसी है कि जब विपिन इस दुनिया के अंदर आया था तो उसके बाद में अचानक से जो ये स्रोत वाली दुनिया है जिसके अंदर ये स्रोत पाया जाता है, जहाँ से उसकी एनर्जी आया करती थी, उसके अंदर कुछ ऐसी पावरफुल शक्तियां हैं जो उसकी उस पूरी साधना को दबा कर रख चुकी है, जिस साधना के अंदर वो आगे बढ़ा था और बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान बन पाया था। लेकिन अब उसके पास में ऐसी कोई भी एनर्जी नहीं थी जिसके साथ में अब वो यहाँ पर कुछ कर सकता था। कहा जाए तो साफ साफ मतलब ये था कि जैसे वो एक मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के ऊपर एक मास्टर टीचर बनने से पहले एक नौकर या फिर एक टीचर था जो साधारण सा माना जाता था, वैसे ही यहाँ पर इस नई दुनिया के ऊपर जिसको स्रोत की दुनिया कहा जाता है, इसके ऊपर विपिन की ना तो कोई पहचान है ना इसके अंदर कोई ताकत है, और इस दुनिया के अंदर जिसके पास में ताकत नहीं होती है उस बंदे को यहाँ पर कुछ भी करने का मौका नहीं दिया जाता है, ना उसको साधना करने का दिया मौका, ना यहाँ पर उसको कोई घर दिया जाता है। इसी वजह से यहाँ पर जो विपिन था उसको यहाँ पर घोड़ों के अस्तबल के अंदर रखा जाता है। घोड़ों के अस्तबल के अंदर रहने के बाद में विपिन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, वो यहाँ पर बहुत ज्यादा ही खतरनाक घोड़े के साथ में फंस चुका था जिसका नाम कालिया था। कालिया एक बहुत ज्यादा ही खतरनाक घोड़ा है और उसके साथ में विपिन अपने सूजे मुंह को देखते हुए उसे कह रहा होता है, मैं पता नहीं कहाँ पहुंच गया और कहाँ आ गया हूँ, आखिरकार यहाँ पर मेरी कोई इज्जत नहीं है, मेरी लो प्रोफाइल तो लो प्रोफाइल ही है, लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं, मुझे यहाँ पर वापस से अपनी दुनिया के अंदर जाना होगा क्योंकि यहाँ पर तो मेरी साथ में कोई साधना है ही नहीं, मेरी साधना पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। और वहीं यहाँ पर वो जल्दी से उस घोड़े की तरफ देखने लगता है जो घोड़ा अभी उसकी तरफ कर रहा था, उसको देखते हुए वो सोच रहा था, और ऊपर से ये कालिया मेरे को बहुत बुरी तरह से मारता पीटता है, मेरे मुंह की तो पूरी तरह से हालत खराब कर दी, अगर मेरी लुगाई को मेरे बारे में पता चल गया कि मेरी हालत कैसी हो गई तो उसके बाद में पता नहीं मेरा क्या होगा। उसके बाद में यहाँ पर बताया जाता है जो वो घोड़ा है वो यहाँ पर मो फैमिली के अंदर से आता है, मो फैमिली की जो बेटी है जिसका नाम रमिया है वो यहाँ पर इस घोड़े की मालकिन है, और ये घोड़ा कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, ऐसा समझ लो कि यहाँ पर ये 3 साल का एक बच्चा है, लेकिन इस बच्चे ने भी विपिन के साथ में इतना बुरा किया जो यहाँ पर उसकी दुनिया के अंदर आज तक कोई ना कर पाया। इसी वजह से जो विपिन था उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, उसको बहुत कुछ सहना पड़ रहा था, क्योंकि लगातार यहाँ पर विपिन को 3 दिन हो गए थे इस घोड़े के साथ में रहते हुए, लेकिन यहाँ पर ये जो घोड़ा था ना वो उसके खाने को भी छीन कर खा जाया करता था, कई बार तो ये घोड़ा उसको ऐसी दुलट्टी मारता कि उसके बाद में जो विपिन था उसका चेहरा देखने लायक हो चुका था। लेकिन अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या वास्तव में उसको यहाँ पर कोई कुछ ना कुछ करना चाहिए, नहीं मैं बहुत ज्यादा अच्छा बच्चा हूँ, मैं ऐसा कोई काम नहीं करता कि मैं यहाँ पर इस बंदे को मारू पीटू, ना ये मेरे ऊपर शोभा नहीं करता, मैं एक मास्टर टीचर हूँ, मैं किसी को भी फालतू मारता नहीं हूँ। विपिन अपने दिल ही दिल के अंदर और मन ही मन के अंदर यही कह रहा था, क्योंकि उसे पता था कि फालतू में यहाँ पर कुछ करेगा ना तो उसके पिछवाड़े पे एक और लात पड़ेगी और फिर उसका पिछवाड़ा भी यहाँ पर बैठने लायक नहीं बचेगा। उसके बाद में विपिन उससे कहता है, ए घोड़े तेरा नाम क्या कालिया, सुन जा मेरी बात, मैं तुझे मारना नहीं चाहता, वो तो बात कुछ ऐसी कि अभी मेरे हाथ पांव थोड़े से घायल हो वरना मैं तुझे यहाँ पर आज मार डालता। विपिन उससे यहाँ पर चिल्लाते हुए कहने लगता है और उसको वो कस के वहां पर एक जगह पर बांध देता है, लेकिन जब वो यहाँ पर उसको गालियां दे रहा था, उसको बांध रहा था और अपने मुंह को एक गीले तोड़े के साथ में साफ कर रहा था कि उसी बीच उसके पेट के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है, वो गुड़ गुड़ की आवाज आती है और वो कहने लगता है, मेरे को कोई तो ढंग सा खाना भी नहीं मिला, मैं पता नहीं क्या करूंगा। लेकिन जब वो इसी बारे में सोच विचार कर रहा था कि अचानक से
दूर से कुछ स्टेप्स की आवाजें सुनाई देने लगती है जो उसकी तरफ ही बढ़ते हुए आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई दो जने थे जो उसकी तरफ आ रहे हैं। उसके साथ में जब विपिन उस चीज को देखता है और उस तरफ अपनी नजर घुमाता है तो वो पाता है उसकी तरफ दो आकृतियां चलते हुए आ रही थी। उनमें से एक तो सुंदर सी लड़की थी जो वास्तव में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। वो एक अप्सरा थी, अप्सरा जो हमारे व्यूवर्स के दिल के ऊपर कभी भी राज कर सकती थी। अब तो वो इसी का सपना देखते रहे होंगे और उसके ही पास के अंदर थी यहाँ पर एक और लड़का। वो लड़का नहीं, एक बुढ़ा कुछ अधेड़ उम्र का व्यक्ति था जो उसके साथ में आ रहा था। उसका पेट मोटा था बिल्कुल मोहन की तरह। हाँ, वो कोई और नहीं, वो मो फैमिली की बेटी और उसके साथ में मो फैमिली का जो बटलर था वो उसके साथ में आया हुआ था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर विपिन उन दोनों को अपनी ओर आके हुए देखता है तो उसके साथ में ही विपिन तो पूरी तरह से अपने नाखूनों को करने लगता है। वो कहता है, धत तेरी की, ये क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया, इनको भी अभी ये भी आना था। ए भगवान, मेरे तो यहाँ पर किस्मत ही फूटी हुई है, मैं क्या करूँ। क्योंकि उसके साथ में विपिन को यहाँ पर रियलाइज होता है कि उसने अभी अपने पास में जो घोड़ा था उसको बांधा हुआ था। अब उसको समझ में नहीं आता कि अगर एक बार इस मिस रमिया ने इसको देख लिया ना तो उसके बाद में उसका क्या हाल होगा। ऐसा लगता है कि इसको यहाँ पर बांध कर लटका कर मारा जाएगा। क्योंकि बात कुछ ऐसी थी कि ये जो कालिया है ये यहाँ पर रमिया का फेवरेट घोड़ा है और ये इसको अपने बच्चे की तरह पालती है। इसी वजह से वो ये नहीं चाह रही थी कि उसको यहाँ पर कुछ भी हो सकता हो। लेकिन जब विपिन इसके बारे में सोच रहा था और जब वो इसके बारे में ख्याल कर ही रहा था कि उसके साथ में ही, विपिन तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत, तुमने मेरे बेचारे कालिया को ये क्या कर दिया है, तुमने इस गालिया को यहाँ पर बांधने की हिम्मत कैसे कर दी। विपिन मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ, रुको विपिन। उसके साथ में ही जो रमिया थी वो वहां पर बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर आती थी। उसका मुंह पूरी तरह से गुस्से से लाल हो चुका था। वो यहाँ पर कुछ ऐसा था जैसे कि यहाँ पर वो आज विपिन को अपने उसी गुस्से से जलाकर मार डालेगी। वो उससे कहती है, विपिन तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुमने मेरे कालिया, वो मेरा कालिया है, मेरे कालिया को तुमने बांधने की हिम्मत कर दी। मैंने आज तक नहीं सोचा था कि कोई मेरे कालिया के साथ में ऐसा कुछ करेगा। वो लड़की गुस्से के अंदर उससे कहती है। तो उसकी बात सुनने के साथ में विपिन कर यहाँ पर कांपने लगता है। उसको लगने लगता है, हे भगवान बचा ले मुझे, हे ईश्वर मैं आखिरकार मैं तुम्हें यहाँ पर 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, बस मुझे एक बार बचा लेना, मैं यहाँ पर इस जगह से बच जाऊंगा ना तो उसके बाद पक्का मैं तुम्हें यहाँ पर प्रसाद जरूर चढ़ाऊंगा। बस उसके साथ में विपिन यहाँ पर उससे सफाई देने की कोशिश करने लगता है। मैं कुछ नहीं करना चाह रहा था, बात कुछ ऐसी कि यंग मिस रमिया मैं यहाँ पर इस कमरे को साफ कर रहा था लेकिन जो कालिया है ना मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था तो इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं उसको यहाँ पर जल्दी से थोड़ा सा बांध देता हूँ और उसके बाद में इस कमरे को मैं यहाँ पर साफ कर दूंगा। लेकिन जब यहाँ पर विपिन उससे कहता है कि उसके साथ में यहाँ पर रमिया कहती है, चुप बहुत हो गया, तुम क्या समझते हो मेरे को, क्या मैं देख नहीं पा रही हूँ कि तुमने अभी अभी मेरे कालिया के साथ में क्या किया है, वो मेरा कालिया है, तुमने उसको इस तरह से कैसे बांधने की हिम्मत कर दी, मैं यहाँ पर तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ, तुमने यहाँ पर नियमों का पालन नहीं किया, मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ पर कालिया को कुछ भी नहीं होना चाहिए और अब तुम मुझे सफाई देने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इस सफाई देने से मैं यहाँ पर तुम्हें छोड़ दूंगी। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जब रमिया इसके बारे में कह रही थी कि उसके साथ में ही यंग मिस रुकिए, आपको इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद में जो उसका बटलर था जिसका नाम राघव था वो उसे कहने लगता है, यंग मिस आप रुकिए मैं इसको संभालता हूँ। उसके बाद में जो बटलर था अपने हाथों को अपने पीठ के पीछे रखता है जैसा ये विपिन पिछले बार किया करता था। वो कहने लगता है, हे लड़के विपिन तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई कि तुमने कालिया को यहाँ पर बांध दिया, क्या तुम्हें पता नहीं है कि जो हमारी यंग मिस रमिया है वो कुछ समय बाद में यहाँ से जाने वाली है और वो वाइट रॉक एकेडमी के अंदर जाएगी और वाइट रॉक एकेडमी के अंदर जाकर उनका वहां पर टेस्ट है जिसके अंदर वो यहाँ पर सोर्स बुल और सोर्स एनर्जी दोनों को एक साथ में मिलाने वाली है। तुम वास्तव में क्या इनसे मारवार खाना चाहते हो, तुम्हें पता नहीं है कि सोर्स बुल कितना ज्यादा पावरफुल है और उसके साथ में वो एक साधक बन जाएंगी और वो एक साधना के अंदर लग जाएगी। लेकिन जब वो ये ऐसा शब्द कहता है तो उसके साथ में विपिन की आंखें सिकुड़ जाती है। वो कहता है, क्या स्रोत पुल, ये क्या है, आखिरकार ये स्रोत पुल का टेस्ट क्या होता है। विपिन को समझ नहीं आ रहा था क्योंकि विपिन ने सुना तो था कि डेंटियंस होते हैं
जैसा कि उसके मास्टर जी कॉन्टिनेंट के अंदर थे और उसके साथ में वो यहाँ पर साधना किया करते थे, लेकिन उसको समझ नहीं आया कि ये स्रोत पुल है क्या।